इत क्रेक की उत मान सिंह की फौज अपा ब्रजपुरी बेहड़ में बढ़े वीर लेकर हत्या टोनी गन गन बंदूक इधर उधर विकट गोली की मार मान मार कर मान सिंह का दई शत्रु की सैन बिड़ार दिखा गए वे वीर जगत में जिनको शौर दिखाना था गुर के हर बोलों के मुंह हमने सुना तराना था खूब लड़ा बरसाना वे गोविंद बहादुर थापा था। तो आप उस वक्त पुलिस में क्या थे? तुमने आप क्या थे? रिक्रूट था। रिक्रूट ट्रेनिंग कर रहा था। ट्रेनिंग कर रहे थे? ट्रेनिंग कर रहे थे पुलिस की। अच्छा अच्छा। हाँ तो आपने देखा है सब? वही हमने ड्यूटी थी इनकी। तो ये कविता किस किन लोगों ने लिखी? कविता किस कविता हमने बनाई। अच्छा आपने बनाई? हमने बनाई। अच्छा हमारी बनाई हुई। अच्छा तो लोग बहुत प्रचलित हुआ होगा फिर? बहुत प्रचलित हुआ होगा उस वक्त चला हुआ। तो आपके दिमाग में कैसे आया जो कविता बनानी चाहिए? भाई जब वो चरित्र सब देखा मैंने और मान सिंह हमारे हेती थे। हमारे हेती थे मान सिंह। हम लोगों को बहुत प्रेम करते थे वो लोग। अच्छा तो उनको देख करके अब ड्यूटी तो हमने दी। उसी समय कंपनी हमारी थी, पुलिस की कंपनी थी। गोविंद बहादुर आया था, मर गया था, उसको भी अपने यहाँ दफनाया सब कुछ करा। तो इसलिए वो दिमाग में आ गई कि क्रे कंपनी ने मारे मान सिंह को मारे उनकी दोनों की सेनाएं बराबर ही थी करीब बेबी विश्वास आदमी थे। तो एक जो शहरों में जो एक बात चलती है जो शहरों में हम जो जानते हैं जो डाकू लोग बहुत खतरनाक होते हैं ऐसे कुछ ऐसा खतरनाक भी थे क्या कुछ? सबके लिए जो हाँ खतरनाक होते हैं। अच्छा सबके लिए नहीं होते? अच्छा सबके लिए होते किन के लिए होते? जो उनका दुश्मन होता है। दुश्मन कौन होते हैं उनके? दुश्मन होता है जैसे आप डाकू हो और मैंने आपकी मुखबरी ली, मुखबर कहते हैं उसको। अच्छा पुलिस ने रिपोर्ट करी। अच्छा अच्छा आपसे भी मिले भाई हम डाकुओं से भी मिले भाई। अच्छा अच्छा पुलिस को बता रहे हैं? पुलिस में रिपोर्ट कर दी। इन्फॉर्मर जो होते हैं। हाँ तो पुलिस को रिपोर्ट कर उसको भी नहीं छोड़ देते। अच्छा हाँ उसको तो मारे झाड़ देते और बड़े बड़े आदमी जो थे पैसे वाले उनसे पैसे लेते थे। तो उस पैसे का क्या करते थे? खर्चे करते थे अपना करते खाना माना कहाँ से खाते? नहीं ऐसे बोलते जो गरीबों में बांटते थे या फिर कुछ? नहीं गरीबों को मान सिंह ने नहीं गरीबों को मारा कभी भी नहीं। बांटा पैसे बांटे? पैसे बांटे? पैसे बांटते थे। तो सबसे खूंखार जो आपने सबसे खूंखार डाकू कौन थे? खूंखार सबसे खूंखार तो एक तो लाखन सिंह हो गए। अच्छा सबसे खूंखार लाखन सिंह थे उन्हें अपने सुने को उन्होंने मारा। और एक सबसे खूंखार था गब्बर सिंह। अच्छा गब्बर सिंह गुर्जर कहाँ का? कहाँ का? ये ग्वालियर से आगे मालनपुर है। मालनपुर के आगे गोवध के आगे जो चौराहा है ना उसके आगे एक गांव है बेड़खरी। बेड़खरी हाँ बेड़खरी का था। अच्छा गब्बर सिंह वहाँ से? हाँ उसको वहाँ का था वो गब्बर सिंह। अच्छा बेड़खरी का और इधर ही मारा वो चमारों की ना काटता था। अच्छा चमारों बहुत चमारों का दुश्मन था। चमारों के पीछे वो डाकू हुआ था। अच्छा हाँ तो कुछ वजह थी? वजह कुछ होगा उनका आपस में लड़ाई झगड़ा आपस में लड़ाई झगड़ा। तो ज्यादातर जो डाकू बने आपसे लड़ाई में बने हैं? ज्यादातर जो डाकू बने वो आपसे लड़ाई के ही बने? हाँ हमारे जमाने में बने हुए सब हम छोटे से पढ़ते थे जब ऐसे डाकू हमने देखे और यहाँ तक सर्विस में आ गए। गब्बर सिंह ये चमार होते हैं ना चमार हरिजन जनेऊ पहनने लगे थे। अच्छा बड़े आदमी बन गए जनेऊ ब्राह्मण बन गए जनेऊ पहनने लगे। इधर गांव है खेरिया पूरा गांव चमारन का ही है। अच्छा बे पैसे वाले आदमी थे गब्बर सिंह। हाँ चमार लोग पैसे वाले थे। चमार लोग थे। हाँ पैसे वाले थे मकान वकान उनके अच्छे बने थे और जनेऊ पहने जनेऊ उन्होंने पहनना शुरू कर दिया। गब्बर सिंह आए
शाम के टाइम जाड़े का टाइम था, पकड़ लिए उनको सबको, अलाई में बैठा लिए, बुलाओ सबको, सबको बुलाए, अलाई लाओ कछली, कछली होती है ना, कछली होती है इसलिए रोटी बनाने की। अच्छा, वो कछली उन्होंने मंगवाई, रोटी मतलब क्या धार होता है, धार है? धार होती है, हाँ लोहे की होती है ना। अच्छा, लोहे की होती है कछली, अपन लोगों को कुछ अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो ध्यान नहीं है। अच्छा, अलाव जल रहा हो तो आसपास आदमी बैठे थे, विश्वास आदमी जे थे गब्बर सिंह, कछली वो आग में दे दी, कछली गर्म हो गए, लाल हो गए बिल्कुल, उसे पकड़ लो सालों को, आस पास आदमी बंदूक के ना खड़े और कोई भक्के नहीं जाए, डाल लिया और लगी कछली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जनेऊ बना दिया उन्होंने, जला दिया उनको। तो बड़े बड़े जो जनेऊ पहरे थे उनको तो यहाँ जनेऊ पहरवा दी, जला दिए उनको, और कुछ जो थे नाक काटी, नौ आदमियों की नाक काटी गब्बर सिंह ने। हम वो गाँव में थे टीचर। अच्छा, रिपोर्ट करने के लिए सवेरे आए थे, वहां लाइन लगी सब दखते ही नकता। अब हमने देखे भैया, अब क्या करें, कोई वस्तु है नहीं, डाकू है वे तो, गब्बर सिंह ने हमको भी लूटा था। अच्छा, हाँ कैसे कैसे लूट लिया आपको? हमको कितने लूटे हैं, कितने पैसे पैसे लूटे गए, पैसे ले गए आई साल नई 57 की, आई साल नई 57 की, हृदय हूप उठी जनता की, आया पूछ सुधी बुध पूरण मासी, संध्या समय आफत सत्यानाशी। पश्चिम से जब वो आए गब्बर, मच गाओ गाँव में बब्बर, काहू को चूरा तोड़ा, काहू की लेख हमारी, और काहू की नारी बिचारी कर डारी उगारी, काहू के कोट कभी से मफलर लवान, काहू की लेख सौर उठाई, कुल की कुल हुई हजार चार की, कुल की कुल हुई चार हजार की, चार हजार। अध्यापक पर भी 3 रुपए डुमाने की, हमने 1 रुपया डुबाना रखा ही था, इसलिए पैसे हमारे पास थे, तनख्वाह मिली थी हमको। उसके बाद हमारी 2 मंजिल का ठलिया थे, उसमें रह रहे, नीचे वहां रोड सी है थी, तो घर में आके लूटा, वही गांव में लूटा। गांव था जहाँ हाई पोस्ट पहले हुई थी, गांव था बेनीपुरा। कहाँ पड़ता है बेनीपुरा? इधर ही पड़ता है, इधर है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर बैठेगा। अच्छा, वहाँ हमारी पहली पोस्ट वही थी, जब मास्टरी में आए, मास्टरी में टीचर सब में आए, तो वही पोस्ट पहले वही हुई थी, वहाँ रहे 7-8 साल हम रहे उस गाँव में। अच्छा अच्छा, उस समय बड़े बड़े हमने तमाशे देखे, डाकुओं को साथ बैठे प्रेम भी किया, रिश्तेदारी भी निकाली, सब कुछ हुआ, और ऐसे वैसे चक्कर हमारे पास पड़े कि इधर तो डाकू पड़े हुए और इधर पुलिस आ गई। अच्छा, और दोनों ही कह रहे कि हमको खाना दो। अच्छा, पुलिस वाले कह रहे कि हमको खाना दो, कपड़ा दो, और डाकू ने बुलाया, उन्होंने भी कहा कि हमको खाना कपड़ा दो। यहाँ तक डाकू ने तो कह दिया कि अगर मेरे पास नहीं आए मास्टर, मेरे पास नहीं आए तो मैं मास्टर की अटरी पे मारूंगा, अगर क्या करूंगा, मार दूंगा, मैं मार दूंगा। अच्छा, मकान पे मार दूंगा उनको। अच्छा, ऊपर अटा पे रहते थे हम। अच्छा, फिर तो तुमने ठीक है, उधर आधे गांव में तो हमने पुलिस वालों को ठहराया।
उनको खाना खिलाया आधे गांव में। आधा गांव जो था इधर उधर फिर हम रात में गए तो उनसे कहा भाई तुम यहाँ रखो डलिया रखो एक भगवाना रखो जो तुम्हारे यहाँ बना हो तो इसमें डालो। अच्छा। और डलिया में जो तुम्हारी रोटी दलिया जो कुछ बना हो सो तो डलिया में डालो। दो गांव और था वहाँ छोटा था उस गांव में से मंगाया खाना मंगा के और डाकुओं को फिर वो खिलाया कुआ में बैठा के डाकुओं को खिलाया डाक खिलाए के और अब उन्होंने खा पी के बोले दो आदमी उन्हें पकड़ रखे थे गांव के। अच्छा। डाकुओं ने कौन सा गांव बताया थे रामनाथ सिंह था नहीं गांव कौन सा बेनीपुरा में बेनीपुरा। अच्छा अच्छा। नाम था उनका लाल सिंह। अच्छा। लाल सिंह तोमर थे जाके भिंड जिले में गांव पड़ता है उसके थे वो रिश्तेदार लगाते अपने। अच्छा अच्छा। नवादा में भी उनकी ससुराल थी चौहान के यहाँ इसलिए हम भी चौहान नाता करके मानते थे तो उन्होंने बुलाया उन आदमियों को पहुंचाया एक को कि तुम जाओ मास्टर को बुला के लाओ। तो आदमी हमारे पास आया मैंने कहा हम तो नहीं जा पाएंगे उनसे कह देना कि पुलिस पड़ी हुई है गांव में हम पुलिस की व्यवस्था में हैं। तो उनसे जाकर कहे कि ऐसी अच्छी बात है साहब भी उधर पुलिस को देख रहे हैं इसलिए वो नहीं आ पाएंगे। तो बोले आ नहीं पाएंगे पुलिस का उनकी बाप है क्या मैं रिश्तेदार हूँ मेरे पास नहीं आएगा और पुलिस की सेवा में लगा हुआ उसे जाओ मेरे से मिल जाए सब मैं मारूंगा आकर के गोली से मार दूंगा वहीं अटल यही पे आकर। उसने आकर के कहने दो रिश्तेदार है नाराज हो रहे थे खाना खिला दिया। उसी खबर आई कि मेरे पास कपड़े नहीं है मुझे दो रजाएं दे और मैं रास्ता नहीं जानता हूँ मुझे रास्ता बना जो यहाँ से जंगल में से निकले। डाकू के हैं वो पुलिस का है पुलिस को मालूम कि यहाँ पर आ गए पुलिस हमारे गांव में ओपे गांव के बाहर कुआ पे। अब वो डाकू का है कि मेरे पास आओ